वो नागिन मेरी दुश्मन है, जा जाकर खत्म कर दे उसे। क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या तू? उसे बांध तो लिया तुमने, लेकिन वो रुकेगा नहीं। उसे रोकने के लिए तुम्हें उसकी जान लेनी ही पड़ेगी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, मुझे उन भैया को मारना ही होगा। मैंने ओम भैया को मारा नहीं, बस इन्हें मारने का नाटक किया है, ताकि प्रीति हम पर नजर रखना बंद कर। यहां इतना अंधेरा क्यों है? मैं अभी स्विच ऑन करता हूं। मम्मी जी, मैं बस अभी है। लगता है मेन स्विच में कुछ खराबी आ गई है, मैं जाकर देखती हूँ। माँ ध्यान से जाना। कोई भी नहीं है। ये लाइट जली क्यों नहीं? कौन है वहां? भैया, माँ को इतनी देर क्यों लग रही है चेक करने में? और राधिका भाभी भी अब तक नहीं आई है। मैं जाकर देखता हूँ। भैया, मैं देखकर आती हूँ। ठीक है, ध्यान से।
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे प्रीति की शक्तियों का एहसास तो हो रहा है, लेकिन वो छुपकर क्या करना चाहती है मुझे पता लगाना होगा। महक, माँ कहाँ चली गई? टॉर्च? ओम भैया, महक और मम्मी जी कहाँ हैं? पता नहीं राधिका, माँ मेन स्विच चेक करने के लिए गई थी, बहुत देर हो गई। उसके थोड़ी देर के बाद में महक गई माँ की हेल्प करने के लिए, और अभी तक दोनों वापस नहीं आए, पता नहीं कहाँ हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है, मैं देख कर आती हूँ। यही रही जी। मम्मी जी, मैं राधिका बिल्कुल सही कहती है, पति के प्यार से बढ़कर और कोई प्यार नहीं। मैं भी तो अपने पति से कितना प्यार करती हूँ। पति के चरणों में ही तो स्वर्ग होता है। मेरी सारी खुशियां आपसे और आपके परिवार से। आइए ना अपनी प्यारी पत्नी के साथ। चलिए ना पति जी। राधिका,
मैं जानती हूँ प्रीति तू यहीं कहीं है और वो सब लोग तेरे कब्जे में। अगर हिम्मत है तो सामने आ। तुम मुझसे लड़ना चाहती थी ना, तो फिर सामने आ। हिम्मत है तो लड़ मुझसे। इस छोटी सी रोशनी से तुम मुझे ढूंढकर मारने की ख्वाब देख रही हो राधिका? तुम तो मुझे देख भी नहीं पा रही हो, फिर लड़ोगी कैसे? असली प्रीति तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, अब तुम्हारे परिवार को कोई नहीं बचा पाएगा। मैंने तुझे मारने की कसम खाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि माता रानी मेरी कसम की लाश जरूर रखेंगी और मेरी रक्षा करेंगी। अगर तू जानना चाहती है तो सामने आ। तेरी लड़ाई मुझसे, तुझे जो करना है मेरे साथ कर, लेकिन मेरे परिवार को सबसे दूर रख। कितना प्यार करती हो ना तुम अपने परिवार से, और वो तुमसे? तभी तो वो लोग तुम्हारा साथ दे रहे मुझे मारने के लिए। अब उन्हें तो मरना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी लड़ाई हमेशा बराबरी की होनी चाहिए। तुमने मेरे प्यादो को मारा, अब मैं तुम्हारे परिवार को मार दूंगी। अब उनकी जान पर इतना सा हक तो मेरा बनता ही है ना। अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ तो मैं तुझे ऐसी मौत दूंगी कि तुम मरने के बाद भी तड़पोगी। अरे क्या कर रही हो, अब डाकिये को मार दोगी तो चिट्ठी सही पते तक कैसे पहुंचेगी? अगर मैं मर गई तो वो सब इस घर में घुट घुट कर मर जाएंगे और तुम उन्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे। एक खेल खेले, मैंने उन तीनों को इसी घर में कहीं छुपा कर रखा। अगर तुमने उन्हें ढूंढकर छुड़ा लिया तो वो हमेशा के लिए आजाद, वरना मैं उन्हें वहां पहुंचा दूंगी जहां पर तुम्हारा प्यारा पति क्रेश पहुंच गया। ऊपर ये तो हम दोनों को पता है, हमारी लड़ाई हम दोनों में से किसी एक की मौत के साथ ही खत्म होगी। या तो मैं मरूंगी या तुम। मरते मरते अगर तुम अपने परिवार को बचा पाओ तभी तो बात बनी। तो बताओ इस खेल के लिए तैयार हो? कहाँ है वो? अरे यही तो खेल है, वो तुम्हें पता करना है। समय बर्बाद मत करो क्योंकि तुम्हारे परिवार के पास बहुत कम वक्त बचा है।
उनके पास बस इतना ही समय बचा है। इससे पहले तुम्हें उन तीनों को ढूंढकर आजाद करवाना है। अगर तुम उन्हें आजाद नहीं करवा पाई तो वो मर जाएंगे। उससे तुम बाद में लड़ोगे, पहले जाकर उन्हें बचाओ। बहुत तेजी से निकल रहा है राधिका, जरा जल्दी से ढूंढना। चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं अपने परिवार पर आंच नहीं आने दूंगी। मुझे पूरा ध्यान लगाना होगा, उनसे बात करने की कोशिश करनी होगी। ओम भैया कहाँ हैं आप? राधिका, हम सब एक साथ क्या कर राधिका? लेकिन है कहाँ? क्या आप मुझे बता सकते हैं कोई निशानी? हम लोग कहाँ पर हैं? हमें बिल्कुल नहीं पता राधिका। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? अरे ये जल्दी आ गई। तुम तो अपने परिवार को बचाने के बड़े बड़े दावे कर रही थी ना, इतनी जल्दी हार मान गई? जब पहले से पता हो कि अंत में खाक ही हाथ आने वाली है तो हार मान लेने में ही भलाई। चल, अपने परिवार को तो तुमने मरने के लिए छोड़ दिया, अब मुझसे लड़ना है कि पहले से ही हार मान लेनी है? देखो, मेरे परिवार को छोड़ दो, उनका इस सबसे कुछ लेने देना नहीं। जिनकी जिंदगी तुमसे जुड़ी हो, मौत का उनसे लेना देना तो होगा ही। वैसे तुम्हारे पास अभी भी थोड़ा वक्त है, तुम चाहो तो उन्हें ढूंढने की आखिरी कोशिश कर सकती हो। वैसे मैं जानती हूँ तुम्हारी कोशिश बेकार रहेगी, लेकिन क्या करूं, खेल में मुझे बहुत मजा आ रहा है। तुम उन्हें ढूंढ लो, छुड़ा लो, मैं उन्हें जाने दूंगी। ये तस्वीर, इस तस्वीर को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, और ये इतनी अजीब क्यों दिख रही है? तूने उन सबको इस तस्वीर में कैद करके रखा है। वाह,
तुम उतनी बेवकूफ नहीं हो जितना मैं तुम्हें समझती। आखिर ढूंढ लिया तुमने उन्हें। लेकिन बात सिर्फ ढूंढने की नहीं, ढूंढकर इन्हें आजाद करवाने की भी हुई थी। जो शर्म नहीं आती, अब तो अपने छल कपट के शैतानी खेल पर उतर आए। अरे इतनी मुश्किल से मुझे अपनी सारी शक्तियां वापस मिली है, इस्तेमाल तो करना होगा ना। और वैसे मोहब्बत और जंग सब जाए, काला जादू और शैतानी शक्तियां भी, और मेरे जादू का तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। हाँ तुम तोड़ सकती हो, लेकिन मेरे जादू को तोड़ने के लिए बहुत समय चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं। जितनी देर तुम्हें मेरी जादू की काट को ढूंढने में लगेगा, उतनी ही देर में तो ये सब तुम्हारे माता रानी को प्यारे हो जाएंगे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और आसान तरीका है। तुम चाहती हो ना मैं इन्हें आजाद कर दूं? मैं इन्हें आजाद कर दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहां से चली जाओ और वापस कभी मत आना। हमारी परवाह मत करो बेटा, तुमने इस आयन को जान से मारने की कसम खाई है, अपनी कसम पूरी करो राधिका, मार दो इसे। नहीं, जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूं तो फिर ठीक है, मरने दो अपने घर वालों। तो क्या सोचा है तुमने? मैं जानती हूं तुम कृष से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जो मर चुका है उसकी मौत का बदला लेने के लिए तुम तीन मासूम लोगों की बलि चढ़ाने तैयार हो? जल्दी फैसला करो ताकि मैं भी इन तीनों को मार कर तुम्हारे साथ अपना हिसाब पूरा कर सकूं। ठीक है मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम मेरे परिवार को आजाद कर दोगी, उन्हें कुछ नहीं करूंगी। डायन अपने वादे की पक्की होती है, छोड़ दो। तो ठीक है मैं जा रही हूं।
तेरे परिवार वालों को छोड़ देने तो मैं तुझे मार डालू। तुम मेरी जान भी ले रही तो भी मैं इन्हें आजाद नहीं करूंगी। समय रेत की तरह फिसलता जा रहा है। अगर मैंने अपने परिवार को बचाने की कोशिश की तो प्रीति इन पर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेगी। इससे तो अच्छा है कि मैं प्रीति को अभी मार डालूं। इसके साथ साथ इसके जादू का अंत भी हो जाएगा।